हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से ट्वेल्थ के बाद जो है आफ्टर ट्वेल्थ फैशन कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। तो आज हम स्टूडियो में हर एक चीज़ जानेंगे फैशन कोर्सेज के रिगार्डिंग, लाइक उसके करियर ऑप्शन क्या क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी कितनी आपको मिल सकती है अगर आप जो है फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, कौन से कोर्सेज जो अवेलेबल रहते हैं फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए, आप कौन सा कोर्स चूज़ कर सकते हैं, कौन सा कोर्स जो है कितने साल का है, कितने ईयर आपको जो है उस कोर्सेज के लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा, उस कोर्स को जो है करना पड़ेगा, हर एक चीज़ फुल डिटेल में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के रिगार्डिंग या फैशन कोर्स के रिगार्डिंग और कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी डिटेल्स उसके रिगार्डिंग आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। अगर कोई भी कंपनी जो कोई रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलीज़ कर रही है या फिर जो है किसी भी जो एडमिशन दे रही है किसी स्टूडेंट्स को, तो आपको जो हम वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखा हो। तो अब हम जानना शुरू करते हैं टॉप फैशन कोर्सेज के बारे में जो कि आप आफ्टर ट्वेल्थ कर सकते हैं। आज हम स्टूडियो में देखेंगे किस तरह से आप आफ्टर ट्वेल्थ जो है फैशन की डिज़ाइनर बन सकते हैं, उसके करियर ऑप्शंस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। जो सबसे पहले गाइस आपको ये बता दूँ कि जो फैशन कोर्स है, फैशन आपका जो फैशन कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। लाइक अगर आपने ट्वेल्थ साइंस से किया होगा, कॉमर्स से किया होगा, आर्ट्स से किया होगा या ह्यूमैनिटीज से किया होगा, किसी से भी किया होगा, आप जो है इसमें जा सकते हैं, इस कोर्स में कोई भी आपको उसके रिगार्डिंग इशू फेस नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो मेजर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है वो ये सोचते हैं कि जो फैशन रिलेटेड कोर्सेज है उसमें इतना स्कोप नहीं है, उसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, पर गाइस ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं आगे इसकी डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद आपको भी लगेगा कि नहीं, इसमें भी जो बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा करियर स्कोप है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर स्कोप के रिगार्डिंग का आपको अपना फ्यूचर नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आपको सही में सचमुच अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है ये फैशन में, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना आपको अच्छा लगता है, अगर आपका ये पैशन है तो ही आपको जो है इसमें जो है आगे करियर ऑप्शन बनाने का सोचना है। क्योंकि अगर आपका जो स्किल जो है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो स्किल्स आपकी जिसमें अच्छी है, आपको जो चीज़ पसंद है, अगर उसी को आप अपना एज अ करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप उसमें और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और अच्छा जो काम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आपको वो काम करने में खुशी भी मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि करियर ऑप्शन क्या क्या है फैशन में आफ्टर ट्वेल्थ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी कैंडिडेट को जो है बैचुलर डिग्री जो है पूरी करनी रहती है। किसी भी स्टूडेंट को अगर जो है फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें जो है बैचुलर डिग्री पूरी करनी रहती है। वो किसी भी फील्ड में चाहे करे, कोई भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करें, और जो ये कोर्स होता है वो कोर्स जो होता है मोस्ट प्रोबेबली 4 साल का ये कोर्स रखा जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम जो है पूरी लिस्ट देते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग में स्पेशलिटी, लेदर डिज़ाइनिंग में स्पेशलिटी, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन, उसी की तरह से और सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे दे दिए गए। तो हम हर एक कोर्सेज के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल में जानेंगे, लाइक कितने साल का ये कोर्स है, क्या है हर एक चीज़। तो आप चाहे तो स्क्रीन को भी स्टॉप करके आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हो। मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सबसे पहला कोर्स है वो है बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइन। सो गाइस, ये जो कोर्स है ये टोटल 4 इयर्स का कोर्स है, मीन्स 4 साल आपको ये कोर्स करना होगा, 4 साल आपको पूरे लगेंगे ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और ये जो कोर्स का मेन एम, मेन मोटिव ये है कि जो ग्लोबल लेवल का जो फैशन है, ग्लोबल लेवल के जो भी आइडियाज़ चल रहे, ग्लोबल लेवल में पूरे वर्ल्ड में जो भी फैशन चल रहे, वो हर एक फैशन जो स्टूडेंट्स तक पहुँचाना, स्टूडेंट्स तक पहुँचा पाए, ये इनका जो मेन एम, मेन मोटिव है। उसी के साथ साथ ये कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनमें इतनी क्रिएटिविटी हो, उनमें इतना स्किल्स हो कि वो जो है गारमेंट की डिज़ाइनिंग को एक अलग ही मीन्स नेक्स्ट लेवल पे लेके चले, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो। तो ये जो मेन मोटिव है बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग का वो ये है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है इसमें आप अगर बहुत ही अच्छा जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत सारे रोल्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, लाइक फैशन एंड गारमेंट डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपको जिसमें जॉब मिल सकता है। उसी के साथ साथ आप जो है डिज़ाइनर बन सकते हैं, फ्रीलांस कंसल्टेंट बन सकते हैं, उसी के साथ स्टाइलिश बन सकते हैं, इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन लेदर डिज़ाइन। तो अब हम देखेंगे कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन इन लेदर डिज़ाइन के कोर्सेज का क्या है। तो गाइस, ये जो कोर्स है, ये कोर्स भी जो है 4 साल का कोर्स है, आपको भी जो है 4 इयर्स का ये कोर्स रहेगा, आपको 4 साल लगेंगे ये कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करने।
उसी तरह से इस कोर्स में स्टूडेंट्स को जो है सिखाया जाता है कि क्या क्या ज़रूरत है लेदर इंडस्ट्री की, किस तरह से उन्हें सिखाया जाता है किस तरह से लेदर प्रोसेसिंग किया जाता है, उसकी मटेरियल की नॉलेज दी जाती है, लेदर मटेरियल की मार्केट नॉलेज दी जाती है, इसी तरह से लेदर के रिगार्डिंग हर एक नॉलेज दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें उन्हें जो है डिज़ाइन की नॉलेज दी जाती है कि किस तरह से वो लेदर गुड्स को डिज़ाइन करके और अच्छी तरह से उन्हें दिखा सकते हैं और उनका जो लुक और बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं शू मेकिंग कंपनी, जो जूता बनाने की कंपनी होती है, उसमें जो है जो लेदर डिज़ाइन ग्रेजुएट अगर उस कंपनी में काम करेगा तो वो और अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है रॉ मटेरियल चूज़ करने में और अच्छा लेदर, अच्छा और सस्ता लेदर जो है चूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं कंपनी की। तो इसी तरह से और छोटे बहुत सारे काम रहते हैं जो एक लेदर डिज़ाइनर कर सकता है। और जैसे आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, लाइक आप एक जो है मर्चेंडाइजिंग और प्रोफेशनल बन सकते हैं, एक अपीयरल डिज़ाइनिंग डिज़ाइनर बन सकते हैं, मटेरियल एक्सपर्ट बन सकते हैं, फ्रीलांस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप चाहे तो अपना एक खुद का ओन वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ डिज़ाइन टेक्सटाइल डिज़ाइन की, यानी कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो गाइस टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है उसे जो है बेस कहा जाता है फैशन इंडस्ट्री का। इस तरह से कहा जाता है कि अगर टेक्सटाइल जो नहीं होती तो टेक्सटाइल के बिना जो फैशन इंडस्ट्री आज जो लेवल पे पहुंची हुई, आज जो मुकाम पे जो फैशन इंडस्ट्री है वो ये मुकाम पे नहीं हो पाती। तो जो टेक्सटाइल डिज़ाइन की जो एक अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है फैशन डिज़ाइन में, फैशन इंडस्ट्री में। उसी के साथ साथ जो टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रोग्राम है वो भी 4 साल का प्रोग्राम है, ये भी कम्प्लीट करने को आपको टोटल 4 साल दिए जाएंगे। उसी के साथ इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल के बारे में नॉलेज दी जाती है, प्रोडक्शन टेक्निक सिखाई जाती है, उसके प्रोसेस के बारे में सिखाया जाता है, उसी तरह से किस तरह से मशीन यूज़ करना और उसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जो सिखाई जाती है। और उसी के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल का जो है डिज़ाइन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है मांग है, उस वजह से यहाँ पे जो है बिजनेस के साइड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। लाइक आप इस कोर्स को पूरा करने के बाद जो है टेक्सटाइल मिल्स ही ऐसी रहती है जो सबसे ज़्यादा प्राइम रिक्रूटर्स रहते हैं। मीन्स अगर आपने ये कोर्स कम्प्लीट कर लिया तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद टेक्सटाइल मिल्स वाले आपको सबसे पहले जो है रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, लाइक आप जो मिल्स ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप जो है इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर बन सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन करने के बाद, और फिर उसके बाद आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन एसेसरी डिज़ाइन। तो गाइस एसेसरी डिज़ाइन में जो पहले जो इतनी मांग नहीं थी जितनी मांग अभी इस फिलहाल ये जो लेवल में अभी जो चल रहा है, जो लेवल पे अभी डिमांड में है एसेसरी डिज़ाइन, यानी कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन एसेसरी डिज़ाइन के जो कोर्सेज है उसमें जो सिखाए जाते हैं, उसमें सिखाने के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो है दिन ब दिन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, फैशनेबल आउटफिट सिखाया जाता है, यानी कि आपको पूरे कंप्लीट आउटफिट के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको तैयार होना है, उसमें जो है कौन सी एसेसरीज आपको डिज़ाइन करनी है। जैसे कि आपको प्रोजेक्शन के बारे में सिखाया जाएगा, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उसी के साथ साथ आपको जो एसेसरीज के बारे में बताया जाएगा, यानी कि ज्वेलरी, लाइफस्टाइल गुड्स, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, वॉचेस एक्सेट्रा। मीन्स आप अपने बॉडी पर कौन सी एक्स्ट्रा एसेसरीज पहन सकते हैं जिससे आपका जो आउटफिट है एक परफेक्ट आउटफिट दिखेगा। तो इसके बाद इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन के बाद आपको जो डिज़ाइनर का जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना रहता है, और इसमें आपको जो इस कोर्स में आपको जो है सेलिंग और मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो इसलिए आप चाहे तो एक मैनेजर का पोस्ट भी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजर का पोस्ट की भी जॉब आपको इस कोर्स करने के बाद आपको मिल सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ स्टाइल फैशन कम्युनिकेशन के बारे में, स्पेशलाइजेशन इन फैशन कम्युनिकेशन। तो गाइस बैचलर ऑफ स्टाइल फैशन कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, क्योंकि विदाउट ये कोर्स आप लोगों को है ना बहुत ही परेशानी सहने पड़ सकती है जो कंपनीज है उन लोगों को, क्योंकि खाली कंपनी स्टार्ट करना, कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, अच्छे क्वालिटी का हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाना इनफ नहीं होता है। उसे बेचने के लिए उसके लिए जो आपको ब्रांडिंग करनी रहती है, उसको अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स की तो बिना ब्रांडिंग आपका जो है बिना मार्केटिंग एफर्ट आप जो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको ज़्यादा नहीं सेल कर सकते हैं और वो ज़्यादा सेल नहीं होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो आपको इस फैशन कम्युनिकेशन में जो है आपको सिखाया जाता है ब्रांडिंग के बारे में, मर्चेंडाइजिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में कि किस तरह से आप जो है मार्केटिंग में भी यहाँ पे जो अलग अलग ब्रांचेस है लाइक फोटोग्राफी हो गया, फैशन जर्नलिज्म हो गया, फैशन एग्जीबिशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है इस कोर्स में, ताकि आप जो अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करो तो उस कंपनी का सेल किस तरह से बढ़ाना है आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और आप उस कंपनी का सेल मार्केटिंग के थ्रू जो है ब्रांडिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे तो डायरेक्टली मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग,
ब्रांडिंग के रिलेटेड जॉब्स भी आपको जो मिल सकते हैं, जो है बड़े बड़े जो फैशन कॉरपोरेशन है, फैशन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के जॉब्स भी मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशलाइजिंग इन प्रिंटवेयर डिज़ाइन। लाइक इसके नाम से ही आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि आपको जो है इस कोर्स में प्रिंटवेयर के रिगार्डिंग हर चीज़ सिखाई जाएगी, लाइक उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके मर्चेंडाइजिंग, मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, हर एक चीज़ आपको जो भी सिखाया जाएगा इस कोर्स में वो है प्रिंटवेयर के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ ये कोर्स भी जो है 4 साल का कोर्स है, जो पीरियड रहेगा आपका कोर्स का वो 4 ईयर्स है। और अगर आप ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आपको जो है प्रिंटवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी से, जो जो कंपनी प्रिंटवेयर के प्रोडक्ट बनाती है वो आपको डायरेक्टली उठा लेगी उनके फॉर्म में जो है। और उसी के साथ साथ आपको जो है इसमें भी बहुत सारे जो है रोल्स मिलते हैं, लाइक आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोलर भी आप इसमें ये कोर्स के बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैचलर डिज़ाइन इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज, मीन्स बैचलर डिज़ाइन इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज जो है वो भी टोटल 4 ईयर्स का कोर्स है। मीन्स आपको इस कोर्स के लिए भी जो है 4 साल की पूरा पढ़ाई करनी होगी। तो गाइस ये जो कोर्स है, ये कोर्स में आपको जो है फैशन इंडस्ट्री के जो है मर्चेंडाइजिंग साइड रहती है मेन, उसी पे फोकस करने को सिखाया जाता है। मीन्स आपको अगर एक कोई फैशन कंपनी या कोई फैशन इंडस्ट्री है तो उसकी मर्चेंडाइजिंग साइड पे ही आपको उसका पूरा फोकस कराया जाएगा कि किस तरह से आपको जो उसके मर्चेंडाइजिंग साइड को जो है मैनेज करना है, किस तरह से प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है आपको हर एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में इस जो है कोर्स में सिखाई जाएगी। तो अगर आप ये कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको मैनेजर की कोर्स भी मिल, मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी के साथ साथ मर्चेंडाइजिंग के रोल के लिए भी आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस जो है रोल की, इस जो कोर्स की जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप में जो है मैनेजमेंट स्किल और फैशन स्किल दोनों ही स्किल आप में कंबाइन रहती है, और कंबाइंड स्किल आप में जो है उसे डेवलप कराई जाती है इस कोर्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। तो ये जो, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि जो फुटवेयर डिज़ाइन और प्रोडक्शन, इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर पर है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कौन से फुटवेयर की डिज़ाइन रहती है, किस तरह से आप न्यू डिज़ाइन जो है इन्वेंट कर सकते हो, उसी के साथ साथ जो फुटवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो अलग, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है इस कोर्स में। आपको इस कोर्स में ये सिखाया जाएगा कि आपको जो फैमिलियर किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से आपके जो फुटवेयर तैयार किए जाते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ से उसके रॉ मटेरियल्स आते हैं, हर एक चीज़ आपको जो है फुटवेयर के रिलेटेड आपको इस जो कोर्स में है वो बता दी जाएगी। अब उसी के साथ साथ जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रेजुएशन के बाद आपको, आप लोगों को जो है आसानी से किसी भी बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिल सकती है, या तो फिर आप चाहे तो आप खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग जो है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वेंचर जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही थोड़ा और नीचे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप 5 बेस्ट फैशन बुक्स, यानी कि अगर आपको फैशन बुक्स के रिगार्डिंग बुक्स है तो यहाँ पे टॉप 5 फैशन बुक्स दे दी गई है। आप सिंपली यहाँ पे बाय ईयर पे या यहाँ पे बुक्स के नाम पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आप अमेजोन पे चले जाएंगे, वहाँ से आप चाहे तो ये 5 बेस्ट बुक जो है वो उसे बाय कर सकते हैं। तो इस जो आर्टिकल की लिंक है, आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो ये सब चीज़ें भी जो है फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं चाहे तो, और ये बुक्स भी चाहे तो आप डायरेक्टली जो है बाय कर सकते हैं अमेजोन से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है फैशन डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा। फैशन कोर्स आफ्टर 12 किस तरह से सेलेक्ट करना है, कौन से कोर्स रहते हैं, कितने ईयर का है, हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी गई है। और अगर फिर भी आपको फैशन कोर्स या फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपको आपका करियर जो है सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको इसी तरह से करियर ऑप्शन के रिलेटेड जो है अपडेट चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, आपको अपना करियर सेलेक्ट करने में थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।